हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना मैथमेटिक्स के लिए जो चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 से जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यूनिट है आपकी 2, चैप्टर है आपका 2.2। जो आपकी एक्सरसाइज जो चल रही है वो एक्सरसाइज कौन सी है, 2.2, सेकेंड चैप्टर से है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी 2.2। तो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चनों की सेपरेटली वीडियो यहां पर मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूल जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप प्लीज कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा इफ यू सबस्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी कि अगर आप किसी नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, अगर आपने स्टेटमेंट को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्टली क्या करना है हमें, स्टेटमेंट से इक्वेशन डेवलप करनी है, इक्वेशन बनानी है, और जब आप इक्वेशन बना लोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए, इफ यू सबस्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी कि हम अगर किसी नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा उसे 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ठीक है, और आगे क्या दिया होगा, व्हाट इज द नंबर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम ज्ञात करने वाले हैं, यानी वो नंबर कौन सा है जिसमें से हम 1/2 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1/8, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम मानते हैं एक्स, यानी कि लेट द नंबर इज, जो हमें नंबर जो फाइंड आउट करना है, लेट द नंबर इज एक्स। सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए, तो क्या करेंगे, लेट यानी माना, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि वो नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अभी हमने ये मान लिया, अब हमसे कहा क्या कहा गया, इफ यू सबस्ट्रैक्ट 1/2, यानी जो आपने नंबर माना है इसमें से 1/2 अगर हम सबस्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर दें, कर देते हैं 1/2 माइनस कर दिया हमने 1/2, सॉरी एक्स माइनस क्या कर दिया हमने 1/2, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा हमने कर दिया, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो रिजल्ट क्या मिला हमें, एक्स माइनस 1/2, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2, देखिए मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, यू गेट 1/8, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/8, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू है तो यानी कि क्या है, इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो अब हमें इस ये आप यहां से हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन डेवलप करनी है, और इक्वेशन डेवलप करने के बाद में वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है, यहां पर 1/2 दिया हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उन सभी एलिमेंट में होगी। जैसे यहां पर क्या है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या है, माइनस के 1/2, तो पहले 1/2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, एक्स में, फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, और फिर से एक्स की मल्टीप्लाई होगी 1/2, यानी फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड सेकंड टाइम मल्टीप्लाई बाय 1/2 टू 1/2, ओके। तो करते हैं, तो 1/2 की मल्टीप्लाई जब एक्स में होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटू 1/2, देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई होगी एक्स में, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाया, और 1/2 की मल्टीप्लाई जब 1/2 में होगी, तो देखिए मैं आपको साइड में बताता हूं, 1/2 की जब हम मल्टीप्लाई 1/2 में कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, तो यानी 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिलेगा, 1/4, ठीक है। तो हमें यहां से क्या मिला, 1/4 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखिए जब एक्स की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो वो तो एक्स ही आना है, यानी एक्स 2 माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि हमें क्या करना है, LHS और RHS, अपने क्वेश्चन का LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड, हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ लेना है, या तो आप लेफ्ट साइड ले लीजिए या राइट साइड ले लीजिए, और जो भी आपके कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्मों को क्या करेंगे, डिफरेंट साइड उन्हें मूव कर देंगे,
यानी ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहां से क्या है, 1/4 जो है ये हमारे जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये आपकी राइट साइड पर हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये जो माइनस की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 1/8, ये 1/4 ये जो वैल्यू है माइनस में है और ये ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी 1/4। अब हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4, तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x अपॉन टू इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 एलसीएम मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए 8 हो गया एलसीएम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों को ना ये जो है रेशनल करके या आपको क्या है इस तरीके से 1/4 में जो होती है ना, यानी फ्रैक्शन में जो होती है, इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेके से सॉल्व करते हैं। आइए दिखाता हूं, 8 और 4 का एलसीएम लिया तो क्या है, एलसीएम क्या आएगा आपको, 8 मिलेगा। यहां से आप देखिए न्यूमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 1 + 1, तो एक काम कीजिए फर्स्ट न्यूमिनेटर को लिखिए, थोड़ा गैप रखिए क्योंकि इसके बाद क्या आपको दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो प्लस, अगर आपको माइनस दिया होगा तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। फिर से क्या है, 1 है, जो 4 के ऊपर क्या है न्यूमिनेटर 1 है। अब हमें करना क्या है, देखिए 8 से इस जो आपने एलसीएम लिया है इसे 8 से हमने क्या करा, 8 को कैंसिल करा 1 टाइम, और ये 8 के ऊपर का न्यूमिनेटर क्या था, 1, तो इस 1 की मल्टीप्लाई यानी 8 × 1 = 8, इस वाले 1 की मल्टीप्लाई ऊपर इसी में हो जाएगी 1 में, तो 1 हो गया। अब 4 पे चलते हैं, 4 से डिवाइड करोगे 8 को 2 टाइम्स, तो इस वाले 2 की 2 टाइम्स वाले की इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, यहां पर 2। तो हमें क्या मिला, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस 2 × 2 / 8, यानी x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 + 1 = 3/8। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, 8x इज इक्वल टू 2 × 3। अब क्या होगा, अब आपको पता है जब प्लस का माइनस हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने से, ट्रांसपोर्टिंग मेथड से, तो 8 क्या है, 8 की मल्टीप्लाई हो रही है x में, तो साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2 × 3/8, 2 × 2 और 2 से कैंसिल किया तो हुआ 4 टाइम, तो यानी वो वैल्यू जो थी x की वैल्यू जो थी वो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3/4। तो हमसे जो नंबर पूछा था, व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, x की वैल्यू आई है आपको 3/4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलते हैं।